Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किस्मत कनेक्शन के आज के अंक में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। इस बार के चंद्र ग्रहण का मामला क्या है, इस बार के चंद्र ग्रहण की सावधानियां क्या हैं और अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, सुबह के 8:04 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः काल 11 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान है सिंह राशि में, सूर्य शुक्र केतु विद्यमान है कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, चंद्रमा और राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो आज हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण के ऊपर। क्या है इस बार के चंद्र ग्रहण का महत्व, पूरी स्थिति क्या है। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, यानी इसको परफेक्टली चंद्र ग्रहण नहीं कहेंगे। इसका आरंभ है 18 सितंबर को प्रातः काल 6:11 पर। ये ग्रहण अपनी पूर्णता पर रहेगा प्रातः काल 8:14 पर। ये ग्रहण 18 सितंबर को ही प्रातः काल 10:17 पर समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण मीन राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है। मीन राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा।
ये ग्रहण भारत वर्ष में दिखाई नहीं देगा, भारत वर्ष में दृश्य नहीं होगा। जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो उसके साथ बहुत सारे नियम लागू हो जाते हैं और बहुत सारी सावधानियों का पालन करने के लिए कहा जाता है। तो इस बार के चंद्र ग्रहण के लिए कौन सी सावधानियां रखी जाएंगी? देखिए, अगर कोई सामान्य ग्रहण है तो ग्रहण के साथ सूतक लग जाता है और सामान्य ग्रहण में बहुत सारी सावधानियों का पालन करना पड़ता है, लेकिन ये उपच्छाया ग्रहण है जिसमें कोई भी सूतक नहीं लगता। एक तो ये भारत वर्ष में दिखेगा नहीं उस कारण से भी, और दूसरा ये संपूर्ण ग्रहण नहीं है, ये उपच्छाया ग्रहण है, इसीलिए इसमें कोई सूतक नहीं लगेगा। और किसी तरह के नियम, खाने पीने के, सोने जगने के, पूजा उपासना करने के कोई नियम इसमें लागू नहीं होंगे। इस ग्रहण में हर व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी सकता है। सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान अगर चाहें तो मंत्र का जप कर सकते हैं और चंद्र ग्रहण के बाद आप दान करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि ये जो चंद्र ग्रहण है इसकी कोई सावधानी नहीं है, इसके कोई नियम नहीं है, इसमें किसी तरह के सावधानी के पालन की जरूरत भी नहीं है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन हानि से बचाव करें, व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। जैसा आपको पहले बताया कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये मीन राशि में है, तो वहां से अगले 15 दिन से एक महीने तक इस ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा। किस राशि पर ग्रहण के क्या परिणाम होंगे आइए जानते हैं। अगर मेष राशि की बात करें तो पारिवारिक समस्याओं की स्थिति आपके लिए बन सकती है। इस समय आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव करें आपके लिए जरूरी है। पारिवारिक समस्या और चोट चपेट की स्थिति दिख रही है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी दूर होंगी। आर्थिक स्थिति और करियर के मामले में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा है ग्रहण का प्रभाव आपके लिए। मिथुन राशि, जीवन की बड़ी समस्याएं हल होंगी और काम में अगर कोई रुकावट चली आ रही थी तो वो रुकावट दूर होगी, यानी ग्रहण का प्रभाव आपके लिए बेहतर है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें। चोट चपेट और दुर्घटनाओं से इस समय बचाव करना आपके लिए जरूरी रहेगा। सेहत को लेके लापरवाही मत करिएगा। सिंह राशि, ग्रहण की वजह से आंखों में समस्या हो सकती है और इस समय दुर्घटना से आपको बचना चाहिए। आकस्मिक धन के खर्चे या धन हानि से अगर आप बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, आपके करियर में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। वैवाहिक मामले आपके इस समय बिगड़ सकते हैं। ग्रहण के परिणाम आपके करियर और आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। बाकी बची हुई राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। धन के नुकसान से बचाव करें। वाद विवाद से भी इस समय बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। संतान की चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। धन की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके करियर में भी सुधार होगा, संपत्ति संबंधी लाभ हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। तो मेष से लेकर कन्या तक राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपने जान लिया, अब जानते हैं तुला से लेकर मीन राशि के लोगों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, तुला की अगर बात करें तो आपके जीवन की रुकावटें दूर होंगी, करियर में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है ग्रहण की वजह से और आपके करियर में अचानक संकट आ सकता है। धनु राशि, ग्रहण की वजह से मानसिक समस्या हो सकती है और बेवजह की दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, बेवजह अपयश मिल सकता है, सतर्क रहें। मकर राशि, ग्रहण की वजह से करियर में बड़ा और लाभकारी परिवर्तन हो सकता है और आपके काम की तमाम रुकावटें दूर हो सकती हैं। कुंभ राशि, ग्रहण की वजह से सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और करियर के निर्णयों में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा। मीन राशि, चंद्र ग्रहण की वजह से वैवाहिक जीवन और रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखें और दुर्घटनाओं से इस समय सावधान रहें। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, खान पान का ध्यान रखें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता समाप्त होगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, करियर में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में परिवर्तन हो सकता है, भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा चंद्र ग्रहण का पूरा मामला और राशियों का हाल, अब जान लेते हैं वास्तु टिप। अगर आपको कठिन विषयों की पढ़ाई करनी है, मैथ्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो पढ़ते समय अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करिए, नॉर्थ साइड की तरफ चेहरा करके पढ़ाई करना उत्तम होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 18 सितंबर बुधवार को प्रातः काल एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाइएगा और इसके बाद जितनी बार कर सकें यथाशक्ति
नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।